हेलो फ्रेंड्स, लेट्स हैव द डिस्कस ऑफ एनटीए नीट टीपीसी टेस्ट नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो द वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेशर एंड कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट। ये दो मेन फैक्टर होते हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी आर आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी वन जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर मोनोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PBR 322 वेक्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, इट हैज टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स MPR एंड TETR। बी, इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर्स कंस्ट्रक्टेड इन 1997 बाय बोलिवर एंड रोड्रिगेस। बट ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हैज रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर PST फर्स्ट एंड साल फर्स्ट। बट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, द रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द PU सेकेंड इज प्रेजेंट इन द रॉप जीन। क्वेश्चन नंबर 4, स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन अ क्रॉस बिटवीन डाइहाइब्रिड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर बी इज 1:1:1:1:1। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियोसोम्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल एक्सेप्ट हिस्टोन ऑक्टामर लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच प्रोटीन 200 बेसिस पेयर्स। बट ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, इसको छोड़कर बाकी सारे करेक्ट हैं, H1 प्रोटीन्स। इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। MS स्वामीनाथन इज कंसीडर एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, दिस इज करेक्ट। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Evaluations and selections of the parent is a very time consuming and tedious process, this is false. And option number D, it is the necessary that hybrids do combine with the desirable characters, this is true. फिर अगला क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स के लिए है, एंटीबायोटिक्स मीन्स प्रो लाइफ, दिस इज नॉट करेक्ट, एंटीबायोटिक प्रो लाइफ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, वॉक्समैन डिस्कवर द स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्वाइंड द टर्म एंटीबायोटिक्स, ये ट्रू है। बाकी ऑप्शन नंबर सी, थेरेप्यूटिक्स वायरू ऑफ पेनिसिलिन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय चेन एंड फ्लोरी, दिस इज ट्रू। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एक्टिनोमाइसिन, दिस इज ऑलरेडी ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लाइंग स्क्वायरल्स एंड फ्लाइंग फारेंजर्स रिप्रेजेंट द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज्ड फॉर द क्लियरिंग ऑयल्स स्पिल्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्यूडोमोनास पुटीडा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, रियो कन्वेंशन एयर पोल्यूशन, दिस इज नॉट करेक्ट मैच, इट इज द आल्सो फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट के लिए है और एक जो कि 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। फिर ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेटिक चेंज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लेशन, रामसार कन्वेंशन, वेटलैंड कंजर्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 12 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑप्शन नंबर ए इट अकर्स विद और विदाउट गैमेट्स फॉर्मेशन. दिस इज करेक्ट. इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स. ओके. वेरिएशंस इन ऑफ स्प्रिंग्स आर मस्ट इन दिस रिप्रोडक्शन. वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो यानी कि यही सही है. और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नॉट करेक्ट है. इट इज सिंपल एंड क्विक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइकेशन. क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द इनकरेक्ट मैच. नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लिप्स लूप. कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फॉर मल्टी रोड 375. फिर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन एलएनजी 20 और प्रोजेस्टेरोन. बट ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. बैरियर यूज्ड बाय मेल डायफ्राम्स. नो, दिस इज फीमेल्स. क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जीनोगैमी. क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16 साइकड ग्रुप्स आर पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन. ऑप्शन नंबर डी इज कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 ईच टेस्टिस इज कनेक्टेड विद द वॉल ऑफ स्क्रोटम थ्रू द फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक फाइबरस स्ट्रक्चर्स व्हिच इज कॉल्ड गुबर्नाकुलम. क्वेश्चन नंबर 18 आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टम दैट इज नॉट सेकेंडरी इन ओरिजिन. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. क्वेश्चन नंबर 19 हेकल केप्ट बैक्टीरिया एल्गी फंजाई एंड प्रोटोजोन्स इन द एल्गी इन द किंगडम प्रोटिस्टा. क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस रेसिस्ट फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज नेफ्रॉन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सीएचपी एंड बी कॉप. क्वेश्चन नंबर 21 जॉइंट बिटवीन रेडियस अल्ना एंड ह्यूमरस इज इज दिस टाइप इज जॉइंट्स नेम हिंग जॉइंट. क्वेश्चन नंबर 22 द रीजन ऑफ रूट टिप हूज सेल्स अंडरगो रैपिड इलांगेशंस एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलांगेशंस. जो कि सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 23 कॉल द एपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज कॉलमनर एपिथेलियम. फिर क्वेश्चन नंबर 24 हार्ट ऑफ द हार्ट. हार्ट का हार्ट किसे बोलते हैं. एसए नोड को. यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. फिर क्वेश्चन नंबर 25 इसमें जो ए दिया हुआ है ये सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ए दिया है एंटीपोडल सेल्स. फिर उसके बाद ए दिया है फिलिफॉर्म एपरेटस. फिर बी दिया है सिनर्जिक सेल्स. फिर सी दिया हुआ है इग सेल्स. और डी दिया है डेंटल सेंट्रल सेल्स. और ई दिया है पोलर न्यूक्लियाई. और एफ दिया है एंटीपोडल सेल्स. फिर क्वेश्चन नंबर 26 द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ द प्लांट इज इंडोल एस्टिक एसिड. फिर अगला क्वेश्चन है इट इज द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू द साइटोप्लाम. दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली. फिर इट हेल्प्स इन द सेल्फ वॉल फॉर्मेशंस डीएनए रिप्लिकेशंस एंड सेक्रेशंस प्रोसेस. ये सारे फीचर्स मेजोसोम्स के लिए करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 28 इन
In leaves of C4 plants, malic acid synthesis during CO2 fixations occurs in the mesophyll cells. यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following represent the associations of the क्लॉनफिश एंड सी एनिमोन इज आल्सो कॉमन सेलिसम्स के एग्जांपल्स हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 30. पोटेशियम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोमोटिंग मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज दैट रेगुलेट प्लांट प्रोसेसेस. फिर क्वेश्चन नंबर 31. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन रिएक्शन CO2 प्लस H2 रिएक्शन H2CO3. हालांकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म्ड पर हावर्स. इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट 600,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2CO3 आर फॉर्म्ड पर सेकेंड्स. ऑप्शन नंबर सी, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस 10 मिलियन टाइम. यानी कि सारे सही हैं ऑल ऑफ दीज, but this is not important question. Question number 32. The relative abundance of carbon and hydrogen is higher in living organisms are compared to the earth crust. NCERT ki table hai. Question number 33. Select the correct statement from the following. Chromosomes are longest and thinnest in that leptotin stage. Chromosomes becomes gradually visible under light microscope. Question number 34. What insect is associated with the submaxillary salivary gland? ये NCERT में सीधे दिया हुआ है ये डायग्राम. Question number 35. The body of balanoglossus is divided into proboscis, collars and trunk. बैलनोग्लास जो कि हेमिकॉर्डेटा में आता है. क्वेश्चन नंबर 36. द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन्स कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशंस ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स. क्वेश्चन 37. इंसुलिन हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस प्रोटीन सिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 38. Efficiencies of the respiration is less than 50%. Question number 39. Which of the following is the best vectors for the plant and animal cells for respectively? Plants की बात करें तो जो कि यह है agrobacterium tumefaciens, पर animals के लिए retroviruses. Question number 40. Match कर लेते हैं हम. हाइपर ट्राइकोसिस को नहीं, फिर पैटर्न बार्डनेस की अगर बात करते हैं कि पैटर्न बार्डनेस सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर ट्रेट्स हैं. फिर उसके बाद बात करते हैं हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. उसके बाद बात करते हैं एंटलर्स इन मेल डियर फॉर सेक्स लिमिटेड ट्रेट. बाकी हाइपर ट्राइकोसिस की अगर बात करते हैं हाइपर ट्राइकोसिस है वाई लिंक ट्रेट. क्वेश्चन 41. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस. क्वेश्चन 42. व्हिच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन्स एंड द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज आल्सो नोन एज क्लोरीन. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. मोस्ट कैंसरस आर ट्रीटेड बाय द सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 44. अब क्वेश्चन 44 की बात करें तो इसमें जो कि मैच करना है कौन सा ऑप्शंस है, या अगर ए की बात करते तो ए है एस्कुटेलम, बी है कोलियोप्टाइल और सी है सूट एपेक्स और डी है एपी ब्लास्ट और ई है रेडिकल और एफ है रूट कैप जो कि जी है कोलियोराइजा.
यानी कि ये सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का फिगर है जो कि पेज नंबर 35 पे है। क्वेश्चन 45 पे स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हिच लाइज एट द अपर ऑफ द टू लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस। क्वेश्चन 46 लाइकेन्स आर इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट एज दे आर पाइनियर्स ऑफ द सक्सेसंस ऑन द बैरन रॉक्स लिथोसियर। क्वेश्चन 47 अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोविंग एरियली फॉर सम टाइम आर्चेस डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। ये बात करते हैं स्टॉलन की। फिर अ लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल्स एंड अंडरग्राउंड पोर्शंस ऑफ द मेन स्टम्स ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉयल एंड कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड्स गिविंग राइज टू लीफ सूट्स। ये बात करते हैं रनर की, शक्कर की, यानी कि ये देख सकते हैं आप स्टॉलेंस, फिर ये रहा शक्कर। क्वेश्चन 48 व्हिच वन इज एनर्जी पिरामिड ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि एनर्जी एनर्जी का ऑलवेज अपराइट। क्वेश्चन 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। ऑप्शन नंबर ए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ ओपन टाइप। यस ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इन टू स्पेस हीमोसील। यस विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील्स आर बाथ इन ब्लड। ओके बट ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट है। द हीमोलिम्फ इज कम्पोज ऑफ कलर्ड प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट, कलर्ड नहीं होता है, इनकरेक्ट होता है। क्वेश्चन 50 द टालेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म आल्सो सिकोया। क्वेश्चन 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेजेस इज ट्रांसलेटेड बाय जेनेटिक्स कोड आरएनए इनटू दैट ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 52 द स्टिमुलस फॉर वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म इज परसीव्ड respectively by embryo of seed and leaves, option number C is correct। question 53 हालांकि जो figure जो दिखाई दे रहा है ये karyotype यानी कि Klinefelter syndrome 47 XXY। question 54 which of the following statement is true for an unshaped pyramid a low percentage of प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स निगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन लो बर्थ रेट, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 55 द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड रीजन इज डिफाइंड बाय द लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। इन दिस इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द जेड। क्वेश्चन 56 द पॉइजन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज एक्टिवेटेड बाय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। क्वेश्चन 57 द नेम क्लब फंजाई इज गिवन टू बसिडियोमाइसिटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लब शेप्ड बसिडिया। क्वेश्चन 58 द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल आर एचो स्पाइरिलम एंड एजोबैक्टर। क्वेश्चन 59 हु गेव द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ब्लैक मैन। क्वेश्चन 60 एंजियोस्पर्म्स एक्सिबिट डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज टू फ्यूजन इवेंट्स अकर्स इन ईच एम्ब्रायो सैक दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 61 इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ द पोजीशंस ऑफ पैलिसाइड्स पैरेन्काइमा इज एडाक्सियल एंड स्पॉन्जी। पैरेन्काइमा इज एबाक्सियल, यानी कि लीफ अगर की बात करें तो जो कि अपर रीजन होता है उसको बोलते हैं एडाक्सियल, जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एबाक्सियल। क्वेश्चन 62 इन सेल रेस्पिरेशन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ईएमपी पाथवे पाइरुविक एसिड इनटू CO2 एंड H2O इज नॉट इन्वॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 63, हु प्रपोज द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर स्पेंसर्स, यानी कि और बात करें नेचुरल सिलेक्शन की, जो कि डार्विन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की, डायडल्फस कंडीशन, विक्सिलरी एस्टिवेशंस एंड मार्जिनल प्रेसिटेशंस आर डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द पी फैमिली। फिर क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मेगा कैरियोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट रिप्रोडक्टिव इन दिस टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड बाय द जेन्स जेन फर्स्ट हैव थ्री एलील्स आई ए आई बी आई ओ। सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील्स, सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर्स। अगर इसको हम करके देखेंगे, चेकरबोर्ड बना के अगर देखेंगे, तो फिर 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स में ओकेजनली हे ग्लूकोज अपीयर्स इन द यूरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज दिस हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सैचुरेट्स द रीअब्जॉर्प्शन पम्प्स कॉजिंग ग्लूकोज टू अपीयर इन द यूरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम्स ए विटामिन बायोटिन थियामिन एंड मस्टर्ड ऑयल एंड हूज डिफिशेंसी रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द नोड्यूल्स फॉर्मेशन इज एस, यानी कि सल्फर। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, इट इज फंक्शंस कौन सा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ द ब्लड टू एम्ब्रायो फ्रॉम द मदर, दिस इज नॉट करेक्ट, बाकी अदरवाइज ऑल्सो आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स, सेल्स इज द अंडर जेनेटिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज स्टॉप्स इन द जीटो फेज, सेल ग्रोथ मैक्सिमम इन द जीवन फेज। क्वेश्चन नंबर 73, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट, कोकेन इज द ऑब्टेंड फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, कोकेन इज अ पोटेंट डिप्रेसेंट फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज नॉट करेक्ट, एक्सेसिव डोसेस ऑफ द कोकेन कॉज हेलुसिनेशन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, इट इज द इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। क्वेश्चन नंबर 75, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ द पोजिशन फॉर द फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस, एनिक फ्लोरल हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर एग्जाम्पल्स फॉर द चाइना रोज। क्वेश्चन नंबर 76, द सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर फंक्शनली इक्विवेलेंट टू स्वान सेल्स इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 77, टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वराइटीज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज डन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हार्मोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दोज दैट कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेंबर्स ऑफ द टारगेट सेल्स एंड बाइंड टू द एयर रिसेप्टर्स इनसाइड इट, मोस्टली इन द न्यूक्लियस फॉर कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी से फिर लाइसोसोम्स। फिर बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की, बायलेटरल सिमेट्री एस्कैरिस की बात करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री ओके, फिर ट्रिपलोब्लास्टिक, फिर उसके बाद बात करते हैं फिर है राउंड बॉडी ऑन द ट्रांसवर्स सेक्शंस।
फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, चेंज ऑफ द पीएच में डिस्टर्ब प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स एंड दस अफेक्टिंग इट्स फंक्शंस, व्हिच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इज नॉट जनरली अफेक्टेड बाय द चेंज इन पीएच प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 82, द ऑर्गन इज स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स यूज एंड टू इट्स एबिलिटी टू इवॉल्व एंड फंक्शंस, द आर्गुमेंट इज राइट इन टर्म्स ऑफ लैमार्किज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रायोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड प्लेसेस आर, दे हैव नो क्यूटिकल, रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे डू नॉट हैव रूट्स, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, द टू जीन्स आर 70 cm अपार्ट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज लेस देन ओआर आर इक्वल टू 50%। क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि वेन्स प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर लीफ टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 87, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम्स प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स विच डज नॉट ग्लाइकोजेनेसिस, देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन द डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, हाइपोग्लाइसेमिया, बट ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, इंसुलिन प्रोमोट्स लाइपोलिसिस एंड इनहिबिट्स लाइपोजेनेसिस, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग फॉर कॉकलिया, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द ब्लैंक्स, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फर्ड हार्सी एंड मार्थी चेस, आई थिंक एवरीबडी आर ऑल्सो अंडरस्टैंड फॉर दिस टेस्ट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, थैंक यू सो मच वॉच फॉर दिस वीडियो।